हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होंडा की अपकमिंग बाइक होंडा CB150R के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में इस बाइक के सारे डिटेल्स को कवर करेंगे, जैसे ये बाइक कब लॉन्च होगी, प्राइस क्या होगा और क्या क्या फीचर देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको इस बाइक में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये बाइक इंडिया में कब देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बाइक आपको नेक्स्ट ईयर 2021 के मिड में देखने को मिल सकती है। मतलब मानकर चलिए अप्रैल से मई तक ये बाइक इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो 2021 में होंडा की बहुत सारी बाइक्स लॉन्च होने वाली है। होंडा हाइनेस CB350 के अच्छे रिस्पांस ने होंडा को एक बार फिर से ट्रैक पे ला दिया है। अभी फिलहाल होंडा के पास 150 से 200 सीसी के सेगमेंट में सिर्फ कुछ ही बाइक है, बट 2021 में आपको इस सेगमेंट में 3 से 4 बाइक और देखने को मिल जाएगी। मतलब 3 से 4 बाइक 2021 में इस सेगमेंट में 150 से 200 के सेगमेंट में लॉन्च होने वाली है। होंडा CB150R से पहले इंडिया में होंडा CB125R लॉन्च होते हुए दिखेगी, उसके बाद ही होंडा CB150R को लॉन्च किया जाएगा। होंडा CB125R का वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मेरे राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों बाइक CB125R और CB150R इंटरनेशनल मार्केट में पहले से लॉन्च हो चुकी है और वहां पे ये बाइक धूम मचा रही है। इसी रिस्पांस को देखते हुए अब होंडा इसको इंडिया में भी लॉन्च करने वाली है। ये बाइक पहले से बांग्लादेश में भी लॉन्च हो चुकी है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। होंडा CB150R में आपको 149.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल DOSC FIVS6 कंप्लेंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो 9500 RPM पे 16.1 HP की पावर और 8000 RPM पे 13.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क दे देगी ये बाइक। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है। होंडा की तरफ से ये अभी तक के इस सेगमेंट में एक बेस्ट सेक्सी बाइक होने वाली है। ये एक स्पोर्ट रेट्रो लुक वाली बाइक होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में इसका नाम होंडा CB150R स्ट्रीट स्टार है। इंडिया में भी शायद ये इसी नाम से लॉन्च होगी। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट में 296mm का और रियर में 220mm का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 41mm का टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फोर्क देखने को मिल जाएगा और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। अभी तक किसी भी 150cc के सेगमेंट में USD सस्पेंशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे होंडा को एक अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। इवन 200cc के सेगमेंट में भी काफ़ी कम ऑप्शन है जिसमें USD सस्पेंशन मिलता है। होंडा की हॉर्नेट 2.0 में USD सस्पेंशन को यूज किया गया है। ये बाइक डायमंड फ्रेम पे बेस होने वाली है। इस बाइक में आपको 13 सेकंड में 100 का स्पीड मिल जाता है और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 130 प्लस किलोमीटर पर आवर का आपको स्पीड इसमें मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि होंडा एक मैसिव ब्रांड है, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। और वाइब्रेशन की बात करें तो आपको वाइब्रेशन ना के बराबर ही होने वाला है। व्हील्स की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में अलॉय व्हील्स का यूज किया गया है और दोनों का साइज 17 इंच का होने वाला है, जिसमें में आपको 110/70/8/17 के फ्रंट टायर और 150/60/17 सेक्शन के रियर में टायर देखने को मिलेगा और ये दोनों टायर ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 8.5 लीटर का होने वाला है, जो कि थोड़ा कम है, और माइलेज अप्रोक्स आपको 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर का देखने को मिल सकता है। इंजन ऑयल कैपेसिटी 1.3 लीटर का दिया गया है। CB150R के डायमेंशन की बात करें तो ओवरऑल लेंथ 1973mm है, विथ 122mm है, हाइट 1053mm है और ग्राउंड क्लियरेंस 139mm है। व्हील बेस की बात करें तो 1296mm होने वाला है और सीट हाइट 795mm होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 139mm है, जो कि थोड़ा कम है, और इसका जो कार्ब वेट है 125kg होने वाला है, जो कि थोड़ा लाइट वेट है। और इसके वजह से ही इसमें आपको दो चीज़ें बेनिफिट होने वाली है, जिसमें आपको लाइट वेट होने की वजह से आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और कॉर्निंग में भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी कंफर्टेबल आप कॉर्निंग कर पाएंगे। लाइटिंग की बात करें तो फुली LED हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको राउंड शेप में हेडलाइट और डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल जाता है। और इसका जो आप हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर देखेंगे, सब में आपको LED ही देखने को मिलेगा, सब में LED लगा हुआ मिलेगा। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अब चलिए बात कर लेते हैं कंसोल का, इंस्ट्रूमेंट कंसोल का। तो इस बाइक में आपको फुली डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें आप बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको आप देख पाएंगे, जैसे स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, ABS लाइट, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग, लो इंडिकेटर वार्निंग, लो बैटरी इंडिकेटर, साइड स्टैंड सेंसर, जैसे सारे इंफॉर्मेशन आप इसके कंसोल मीटर में
देख पाएंगे। तो ये तो हो गए इसके फीचर के बारे में। अब अगर प्राइस की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 1.5 लाख तक हो सकता है, 1.5 लाख तक इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है। ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस में भी डिफरेंट हो सकता है। होंडा सीबी 150R में आपको 3 से 4 करोड़ ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इस बाइक के कुछ डिटेल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बाइक रिलेटेड कंटेंट पे वर्क करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।